एक ऐसा देश जो कि निरंतरता में आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इसके साथ इस तरीके से हमदर्दी रखना उचित नहीं है। खास तौर पर उन शहीदों को याद करें। IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, मैं दक्षा, आप देख रहे हैं IVTV। चिराग पासवान इन दिनों फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के इमरान खान को लेकर बड़ी बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि इमरान खान उनके बड़े भाई जैसे हैं, जिसके बाद कई नेताओं की प्रतिक्रिया देखने को मिली उनके इस बयान पर। वहीं चिराग पासवान नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान पर बमक गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, एक बार आप भी सुनिए। सिद्धू जी ने कोई इस तरीके का बयान दिया हो, निरंतरता में उनके पाकिस्तान के पक्ष में इस तरीके से बयान उनके आते रहे, एक बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दिया जा सकता है। कारण संभवतः हो सकता है कि भाई वहाँ के आज की तारीख में जो प्रधानमंत्री हैं वो ये दोनों समकक्ष रहे हैं खेलों में, वो भी क्रिकेटर हैं ये भी क्रिकेटर हैं, दोनों की एक मित्रता संभवतः उस तरीके से हो सकती है। पर जब आप राजनीति में हैं तो व्यक्तिगत रिश्तों को एक तरफ रखकर, और ख़ास तौर पर जब आप किसी एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उस वक्त जो बयान आप दें वो व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित नहीं हो सकते, वो कूटनीति राजनीति पर आधारित ही होने चाहिए। उसमें इस तरीके के बयान कि वो मेरे बड़े भाई हैं या पाकिस्तान को लेकर रह रहकर जो उनके पक्ष में जो उनके बयान आते रहते हैं, ये उचित नहीं है। एक ऐसा देश जो कि निरंतरता में आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवादी घुसपैठ को बढ़ावा देता है हमारे देश में, उसके साथ इस तरीके से हमदर्दी रखना उचित नहीं है। ख़ास तौर पर उन शहीदों को याद करें जिनकी जान गई ऐसे आतंकवादी हमलों में, या उन परिवारों को याद करें जिन्होंने उनके आतंक की वजह से प्रताड़नाएं झेली। मैं वार्तालाप में विश्वास रखता हूं, मैं जानता हूं और मैं मानता हूं कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान संभवतः बातचीत से हो सकता है, पर अगर सामने वाला बात बात पर शस्त्र उठाए, हम लोग बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, युद्ध को मानने वाले नहीं हैं, पर अगर सामने वाला बात बात पर शस्त्र उठाए और ऐसे में आप उन्हीं के हमदर्द बने रहें, ये भी उचित नहीं है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने एक बार फिर से पीएम मोदी का समर्थन करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को जमकर सुनाया। इससे पहले भी एक बार चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी के साथ ट्विटर पर तस्वीर साझा की थी और उनकी तारीफ की थी। और जहां तक चिराग पासवान गठबंधन की बात करें तो देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी की तरफ से उन्हें गठबंधन मिलता है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ IVTV पर। हमें YouTube पर सब्सक्राइब करिए, Facebook पर लाइक करिए और Instagram और Twitter पर फॉलो करिए। धन्यवाद।